तो फार्माकोग्नोसी कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग यानी चैप्टर 5 है ना। चैप्टर 5 में हम लोगों ने अब तक क्या कहां तक पढ़ लिया था, एंटी टसिव। प्रीवियस वीडियो में एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी टसिव के बारे में हम लोगों ने पूरी बात कर ली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी रूमेटिक यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो दवाएं फायदेमंद होती हैं उनके बारे में, यानी एंटी रूमेटिक ड्रग। इसमें एक ही ड्रग है आपके क्लास में, दैट इज कॉल्ड कौन सी, कॉल्चिकम सीड, कॉल्चिकम सीड। ठीक, अब एंटी रूमेटिक के पहले रूमेटिक क्या होता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। पिक्चर देखो, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर्ड है बट क्लियर हो रहा है। देखो जॉइंट्स पे, जहां जहां जॉइंट्स हैं यहां पे कुछ प्रॉब्लम है, जहां जहां जॉइंट्स हैं आप ध्यान दो, जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूं सब जगह देखो वहां से उंगलियां या तो टेढ़ी हो गई हैं या स्वेलिंग हो गई है। यहां पे क्या होता है, ब्लड में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, यूरेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब सोचो कि कोई नुकीला पत्थर है भाई, जो आपके जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स तो स्मूथ साइनोवियल फ्लूड है, उस पर घूम रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास चिकनी सरफेस पे, जैसे ग्रीस लगा दी जाए। अब इस ग्रीस के बीच में छोटे छोटे से कंकड़ अगर डाल दिए जाएं तो क्या होगा, अब जब ये मूवमेंट होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा कि नहीं होगा, होगा ना इन्फ्लेमेशन। यही होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इसीलिए जॉइंट्स में पेन होता है, यही इन्फ्लेमेशन होते होते स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेन होता है लोगों को भाई, खुद इमेजिन करके देखो। यही है, है? भाई ऐसे जॉइंट्स है, आर्टिकुलेटेड है ना, दो दो चीजें आपस में, इसमें ग्रीस है स्मूथली चल रहा, इसी स्मूथली स्मूथनेस में भाई कंकड़ डाल दिए भाई, सिंपली आप दाल चावल खा रहे हो बढ़िया फर्स्ट क्लास, बढ़िया मतलब कुचल कुचल के खा रहे हो अच्छे से, अब उसी के बीच में ढेर सारे कंकड़ आ जाए तो कैसा लगेगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। यहां तो एकदम चिकनी सरफेस है, इस चिकनी सरफेस पे यूरेट क्रिस्टल्स आ गए। अब यूरेट क्रिस्टल्स क्या, छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ हैं, वही कंकड़ आ जाते हैं जिसकी वजह से जब मूवमेंट होता है जितने बार भी होता है उतने बार ये जॉइंट्स जो स्मूथ सरफेस पे चलने के आदि थे ये छिल जाते हैं, जब छिल जाते हैं तो इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और पेन होना शुरू हो जाता है। यही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसी की बीबीसी बीमारी को ठीक करने के लिए दवा दी जाती है उसी को बोलते हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स। राइट, थोड़ा हिंदी में देखें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न का कारण बनती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक, जिसमें शरीर की इम्यूनिटी स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान, जो हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं जब वो फायरिंग करती हैं यूरेट क्रिस्टल्स को मारने के लिए, तो वहां पे हमारी अच्छी सेल्स भी मर जाती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आर्थराइटिस में कुछ पोषण संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं, हेल्दी चीजें खानी चाहिए, वजन घटा के रखना चाहिए, बहुत वजन नहीं बढ़ाना चाहिए ना, अनाज सब्जियां फलों का भरपूर आहार, बैलेंस डाइट विद फाइबर्स, है ना, सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का सेवन कम से कम करें, अधिक से अधिक डाइट में फाइबर्स लें, है ना, वैसी डाइट का चुनाव करें जिसमें शर्करा मॉडरेट मात्रा में, मीन्स शुगर कम से कम हो, अल्कोहल का सेवन कम करें या ना कर दें। ठीक, ड्रग यूज ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म आर नोन एज एंटी रूमेटिक, मीन्स जो रूमेटिज्म के ठीक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में जो काम करे दैट इज कॉल्ड एंटी रूमेटिक। कंडीशन क्या है रूमेटिज्म की, ये करेक्टराइज होता है किसका, इंक्रीज हो जाता है इसमें यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में, जिसकी वजह से रिकरेंट अटैक इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में। क्यों होता है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, याद रहे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है कहां पे, कार्टिलेजेस के बीच में, जो रस्सियां बंधी हुई हैं उनके बीच में, टेंडन्स के पास, जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस पेन होता है, ऑफन सिवियर बट लास्टिंग द फ्यू डेज, कुछ देर कुछ दिन के लिए रहता है और धीरे धीरे करके परमानेंट होने लगता है ये पेन। ठीक, पेन में भी प्रसिपिटेटेड बाय इंजरी, ये पेन कहीं इंजरी हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, एक्सरसाइज में फ्रैक्चर हो जाए, वजन ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर एप्लीकेबल कर लिया है, तो इन सब वजहों से प्रेशर ज्यादा मीन्स पेन ज्यादा बढ़ सकता है। इसमें एक ड्रग है कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटमनेल, है ना,
ये ड्रग है, देखो ये प्लांट है इसका पर्पल कलर का, कहीं कहीं पे येलो कलर का भी प्लांट होता है, ये जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से रहता है। ठीक, कॉमन नेम क्या है, सेमेन कोल्ची ऑटम क्रोकस सीड, क्रोकस सीड के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। रेडिक्स कोइचीसी है ना, मीडो सेफ्रॉन सीड या कॉम, वाइल्ड सेफ्रॉन, यूरोपियन कोल्चिकम सीड या कोल्चिकम रूट या सुरंजन, इसको क्या सुरंजन भी बोलते हैं हिंदी में। कॉमन नेम बहुत सारे हैं इसके, एक दो जरूर याद रखना। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कंसिस्ट ऑफ किससे, ड्राइड राइप सीड आर कॉम्स, ड्राइड राइप सीड्स और कॉम्स याद रखे, किसका, कोल्चिकम ऑटमनेल इंडिया में। ठीक, और क्या, और दूसरी स्पीच कौन सी है, कोल्चिकम ल्यूटियम बेकर स्पीसीज से, मींस दो स्पीसीज इसकी पाई जाती है अपने इंडिया में, कोल्चिकम ऑटमनेल है, बाहर की कंट्रीज में कोल्चिकम ल्यूटियम है। ठीक, दोनों से जो एक्सट्रैक्शन पार्ट होता है दैट इज ड्राइड राइप सीड होता है, ड्राइड राइप सीड से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फैमिली की बात करें, लिलिएसी इसकी फैमिली होती है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें, यूरोप लाइक जैसे इंग्लैंड में है ना, हॉलैंड में, पोलैंड में, योगोस्लाविया में, इंडिया में कहाँ पे, वेस्ट हिमालय है, मीन्स जो है माउंटेनियस रीजन जैसे कश्मीर वगैरह हो गया, हिमालयस रीजन में कोल्चिकम वहां पे पेड़ ये ज्यादा पाए जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो अमीनो एल्कलॉइड्स इसमें बहुत सारे होते हैं, जिसमें कोल्चिसिन, कोल्चिसिन है ना, और डिमेकोल्चिसिन और कोल्चिकोरेसिन, ये जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक, जिसमें देखो लाइट के एक्सपोजर में अगर कोल्चिसिन को रखा जाए तो वो हो जाता है ल्यूमी कोल्चिसिन में चेंज। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में लिख लेना कि अगर यूवी लाइट का एक्सपोजर कोल्चिसिन को किया जाए तो वो क्या ल्यूमी कोल्चिसिन में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एक्सपोजर। एक और इंपॉर्टेंट है डिमेकोल्चिसिन, डिमेकोल्चिसिन ये बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में बड़ा हेल्पफुल होता है। थेरेप्यूटिक यूज की बात करें तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गाउट या रूमेटिज्म, गाउट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में डिमेकोल्चिसिन इफेक्टिव यूज्ड अगेंस्ट एपिडर्मल कैंसर, माइलोइड ल्यूकीमिया है ना, या कोल्चिसिन इंड्यूस पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं है ना, यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये इसके क्या है, थेरेप्यूटिक यूज है, किसमें, इसमें एक ही प्लांट था, कौन सा, कोल्चिकम। नेक्स्ट वीडियो फिर छोटा सा, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लोग पढ़ते रहेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, कोई समस्या हो तो कमेंट करो।